भाई अब क्या शूट कर रहे हो? यार मैं फोटो ले रहा था लो लाइट में, बट मुझे दिक्कत क्या, अब ISO 3200 जा रहा है। तो जितना मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि ISO 400-800 से ऊपर नहीं ले जाना चाहिए लो लाइट में। तो आपको क्या लगता है, सही है इतना हाई ISO यूज़ करना? आई थिंक जब भी आप लो लाइट कंडीशन में शूट कर रहे हो, तो अगर हमें ISO का ये फैसिलिटी दी गई है कि आप उसे बूस्ट कर सकते हैं, तो आप उसको यूज़ कीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं 3200 के। अगर आपकी इमेज 4000 या 5000 पे भी अच्छी आ रही है, तो आप उसको यूज़ कीजिए। क्योंकि मेरा मानना यह है, मैं जो एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कि जब आप उसको प्रिंट कराएंगे तो आपको काफ़ी अच्छी इमेज देखने को मिलेगी। ओके चलो, आपने ये चीज़ अच्छी बता दी। अब मैं थोड़ा शूट करता हूँ ISO पे और दिखाता हूँ आपको फोटोज़ क्या आती हैं। तो जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं, स्पेशली स्ट्रीट या फिर किसी भी जॉनर में, हमसे ये बोला जाता है कि हमें हमेशा लो ISO पे शूट करना चाहिए, ताकि हमारे फोटोग्राफ में ग्रेन ना आए। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं लो लाइट कंडीशन में, तो आप अपना ISO बूस्ट कीजिए। मैं भी अभी 4000 या 5000 पे फोटोग्राफ क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, और मैं फिर 100 या 200 ISO पे भी क्लिक करके आपको दिखाता हूँ सेम फोटोग्राफ। आपको डिफरेंस पता चलेगा कि किस में ज़्यादा अच्छी फोटोग्राफ आ रही है। तो गाइज ये अभी 4000 ISO पे है, अपर्चर F4 है, शटर स्पीड 1/60 है, और मैं यही सिचुएशन आपको अब ISO 200 पे दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल डार्क इमेज आ रही है। माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ। सो यू कैन बूस्ट योर ISO अकॉर्डिंग टू योर इमेज, जिस तरीके का आपको रिजल्ट चाहिए। तो देखिए, जब भी आप लो लाइट कंडीशन में शूट कर रहे हैं, तो आप लाइट को चेज कीजिए, आप देखिए उस लोकेशन में लाइट कहाँ पे आ रही है, वहीं पे जाके आप शूट कीजिए, ताकि आपको अच्छी फोटोग्राफ्स मिले। तो गाइज अभी मेरा जो फॉर्मेट है वो JPEG है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले JPEG पे किस तरीके का इमेज आएगा और RAW पे किस तरीके का इमेज आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले अपने कैमरे मोड को मैंने मैनुअल पे सेट कर लिया है, और मैं सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ F4 यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ISO किया हुआ है 4000, और शटर स्पीड यूज़ कर रहा हूँ मैं 1/60। उससे ज़्यादा लो जाऊँगा तो फिर वो शेक आ सकता है इमेज में। तो मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ कि JPEG और RAW में किस तरीके का डिफरेंस आ रहा है। तो जब भी आप शूट कर रहे हैं लो लाइट में, तो अपना अपर्चर जो है वो पूरा ओपन कर ले। जैसे मेरे लेंस के अंदर F4 जाता है, तो मैं F4 पे शूट करूँगा और F9 पे शूट नहीं करूँगा। बेसिकली स्ट्रीट फोटोग्राफी में F9 पे शूट किया जाता है शार्पनेस के लिए, बट आप F4 पे शूट करेंगे क्योंकि आपको लाइट ज़्यादा चाहिए। तो उस कंडीशन में मैं आपको दोनों इमेजेस दिखाता हूँ कि F9 और F4 में किस तरीके का डिफरेंस आ रहा है इमेज के अंदर। तो गाइस जब भी हम लो लाइट में शूट कर रहे हैं, तो आपको अपना शटर स्पीड डाउन करना पड़ेगा। बेसिकली ये बोला जाता है स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर, आपको शटर स्पीड अपनी 1/500 या 800 रखनी चाहिए, ताकि आप मूवमेंट फ्रीज कर पाए। बट ऐसा नहीं है, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते वक्त भी आप लो लाइट में अपनी शटर स्पीड 1/50 या 1/60 कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छी फोटोग्राफ मिले। तो अभी जो आप इमेज देख रहे हैं वो 1/50 पे है। अब मैं आपको 1/500 पे दिखाता हूँ कि किस तरीके की इमेज आएगी। सो आप खुद देख रहे हैं इमेज में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एक में बहुत ज़्यादा डार्क इमेज आ रही है, और दूसरी जब हम 1/50 पे ले रहे हैं, तो हमारे को प्रॉपर लाइट मिल पा रही है। सो ये थी 4 लो लाइट फोटोग्राफी टेक्निक्स। बाकी जो टेक्निक्स है वो कुणाल भैया के चैनल पे आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी एट द एंड मैं यही बोलूंगा, आप प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे इन टेक्निक्स को, उतना ही ज़्यादा आप शार्प बनते जाओगे। नहीं हाँ, क्योंकि सचिन के कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं, ये थोड़ा आपको बेसिक लगेगा, बट एक्चुअली प्रोफेशनली भी जो स्ट्रीट में काम करते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद भी इवन दे यूज़ दिस टेक्निक्स, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिले। बाकी आप जाके चेक कर लो वीडियो चैनल। चलो ओके।